हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर सोशियोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी करवा रहा हूं। तो इसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को यूनिट वन के अंतर्गत फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और थर्ड लेसन जो था वो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये फोर्थ लेसन है यूनिट फर्स्ट का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को संस्कार के बारे में बताने वाला हूं। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को थर्ड लेसन में बताता कि मैंने आप सभी के जो अगला वीडियो होगा फ्रेंड्स संस्कार का होगा। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए संस्कार नामक वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज कुछ सब्सक्राइब कर, वीडियो को भी से लाइक कर दो, फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि बालकों को जन्म से चौथे महीने गृह से बाहर लाना चाहिए। यानी फ्रेंड्स किसका कथन है कि बालकों को जन्म से चौथे महीने गृह से बाहर लाना चाहिए। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कौटिल्य का, सेकंड है मनु का, थर्ड है शुक्र का, एंड फोर्थ बाढ़ का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मनु का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि करण वेद संस्कार से जन्म के कितने समय पश्चात पूर्ण किया जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने पांच माह, सेकंड है सात माह, थर्ड है आठ माह, एंड फोर्थ है बारह माह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सात माह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जब ब्रह्मचारी अपने घर की ओर गृह की ओर प्रस्थान करता है उस समय होने वाले संस्कार को कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने उपनयन, सेकंड है विद्यारंभ, थर्ड है किसात, एंड फोर्थ है समावर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समावर्तन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर है कि पुत्र संतानोपत्ति के निमित्त संपन्न किए जाने वाला संस्कार कहलाता है। फ्रेंड्स अपने विद्यारंभ, सेकंड है समावर्तन, थर्ड है पुंसवन, एंड फोर्थ है विवाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुंसवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भ के कितनी माह पश्चात पुंसवन संस्कार का आरोपण किया जाता है। फ्रेंड्स फर्स्ट अपना है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट आपने तीसरे, सेकंड है चौथे, थर्ड है पांचवें, एंड फोर्थ है पांचवें। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तीसरे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने नामकरण संस्कार को दसवें दिन संपादित करने का निर्देश दिया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बृहस्पति ने, सेकंड है मेघातीत ने, थर्ड है मनु ने, एंड फोर्थ है कुल्लुक ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेघातीत ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण बालक की यज्ञोपवीत जन्म के कितने वर्ष पश्चात किया जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पांच वर्ष, सेकंड है सात वर्ष, थर्ड है आठ वर्ष, एंड फोर्थ है बारह वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आठ वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अनुसार ब्राह्मण बालक की यज्ञोपवीत किस चीज का होता है। जैसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने कपास का, सेकंड है सन का, थर्ड है ऊन का, एंड फोर्थ है सूत्र का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कपास का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षत्रियों का यज्ञोपवीत किस चीज का होता था। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने सन का, सेकंड है ऊन का, थर्ड है कपास का, एंड फोर्थ है मूंज का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनु के विचार में ब्राह्मण का किसान गर्भ से कितने वर्ष पश्चात होना चाहिए। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना 8 वर्ष, सेकंड है 12 वर्ष, थर्ड है 14 वर्ष, एंड फोर्थ है 16 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 16 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस संस्कार को पूरा करने के साथ ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है उसे कहा जाता है। फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना विवाह संस्कार, सेकंड है गोदान संस्कार, थर्ड है समावर्तन संस्कार, एंड फोर्थ है उपनयन संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विवाह संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस संस्कार को पूर्ण करने के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता है उसका नाम है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने विवाह संस्कार, से करने समावर्तन संस्कार, थर्ड है उपनयन संस्कार, एंड फोर्थ है गोदान संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है समावर्तन संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिस संस्कार के पश्चात व्यक्ति का लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने कीजांत संस्कार, सेकंड है निष्क्रमण संस्कार, थर्ड है पुंसवन संस्कार, एंड फोर्थ है अंत्येष्टि संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अंत्येष्टि संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू जीवन पद्धति में बाल्यावस्था के संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प संस्कारों के उस समूह की सही अभिव्यक्ति है जो बालक द्वारा शिक्षा आरंभ करने से पहले संपन्न होते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना नामकरण, अन्य प्राशन समावर्तन, सेकंड ऑप्शन है नामकरण चूड़ाकरण के साथ, एंड थर्ड ऑप्शन है जातकर्म अन्य प्राशन उपनयन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नामकरण निष्क्रमण कर्णवेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नामकरण निष्क्रमण और कर्णवेद। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू संस्कार से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना है यानी फ्रेंड्स आ ऑप्शन है इसका पुंसवन वह संस्कार है जिसके द्वारा पुत्र जन्म की कामना की जाती है। सेकंड ऑप्शन है जातक्रम संस्कार बालक की आयु 3 वर्ष होने की बात किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है सीमंतोन्नयन संस्कार स्वास्थ्य के नियमों से संबंधित है, एंड फोर्थ है कर्णवेद संस्कार का आरंभ केवल अलंकरण के दृष्टिकोण से हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी यानी जातक्रम संस्कार बालक की आयु 3 वर्ष होने की बात किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या क्या है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने 20, सेकंड है 40, थर्ड है 16, एंड फोर्थ है 13। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 40। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजबली पांडे की पुस्तक का नाम है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने हिंदू संस्कार, सेकंड है संस्कार, थर्ड है संस्कार प्रकाश, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदू संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार को क्या कहते हैं। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने यज्ञोपवीत या जनेऊ, सेकंड है द्विज, थर्ड है दीक्षा संस्कार, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यज्ञोपवीत या जनेऊ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि बोधायन ग्रह सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी है। इसमें फ्रेंड्स पांच फर्स्ट ऑप्शन 16, सेकंड है 13, थर्ड है 18 एंड फोर्थ है 20। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 13। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कार विद पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें फ्रेंड्स पांच फर्स्ट ऑप्शन राजबली पांडे, सेकंड है दयानंद सरस्वती, थर्ड है बेबन एंड फोर्थ है दुर्गीम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरित धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसमें फ्रेंड्स पांच फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 3। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 2। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का विवाह शास्त्रानुसार मंत्र द्वारा यही उनका एकमात्र संस्कार है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मनुस्मृति का, सेकंड है वाग्वलक स्मृति का, थर्ड है पीबी काणे का एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मनुस्मृति का। इन्होंने फ्रेंड्स कहा है कि स्त्रियों का विवाह शास्त्रानुसार मंत्र द्वारा यही उनका एकमात्र संस्कार है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है कि अन्य प्राशन संस्कार जन्म के किस माह किया जाता था। जैसे फ्रेंड्स माह फर्स्ट अपना 8 माह, सेकंड है 6 माह, थर्ड है 10 माह एंड फोर्थ है 12 माह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 6 माह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण वर्ग का यज्ञ पवित्र किस ऋतु में किया जा सकता था। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपने बसंत ऋतु, सेकंड है फरत ऋतु, थर्ड है ग्रीष्म ऋतु एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बसंत ऋतु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्य बालक का यज्ञ पवित्र जन्म के कितने वर्ष बाद किया जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा यानी किस वर्ष किया जाता था। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना 8वें वर्ष, सेकंड है 11वें वर्ष, थर्ड है 12वें वर्ष एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 12वें वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या आरंभ से लेकर समावर्तन तक की संस्कार को क्या कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना बाल्यावस्था, सेकंड है शैक्षिक जीवन, थर्ड है उपनयन एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शैक्षिक जीवन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कारों की उत्पत्ति के मूल में मानवीय प्रवृत्तियों का हाथ है। यह आख्यानों के निर्माण की प्रवृत्ति का दूसरा रूप है। किसका कथन है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना राजबली पांडे का, सेकंड है एसपी नागेंद्र का, थर्ड है राधा कृष्ण का एंड फोर्थ है पीएन प्रभु का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एसपी नागेंद्र का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कार हुआ है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगी बन जाता है। जिसका कथन है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना मनुस्मृति का, सेकंड है महाभारत का, थर्ड है जैमिनी का एंड फोर्थ है धर्मशास्त्र का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जैमिनी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्त्रियों के यह सब संस्कार शास्त्रानुसार बिना मंत्र द्वारा होना यही उनका एकमात्र संस्कार है। यानी स्त्रियों के यह सब संस्कार शास्त्रानुसार बिना मंत्र द्वारा होना यही उनका एकमात्र संस्कार है। किसने कहा है। फ्रेंड्स फर्स्ट है मनुस्मृति ने, इसके धर्मशास्त्र ने, थर्ड है महाभारत ने एंड फोर्थ है जैमिनी ने। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मनुस्मृति ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार में मरते समय व्यक्ति के मुख में तुलसी या गंगा जल डाला जाता है। किसमें उल्लेख है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट है मनुस्मृति में, सेकंड है महाभारत में, थर्ड है ब्रह्म वैवर्त पुराण में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ब्रह्म वेववर्त पुराण में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निरंकित मिश्र के संस्कार को ब्रह्मचर्य आश्रम का द्वार कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना नामकरण, सेकंड है निष्क्रमण, थर्ड है उपनयन एंड फोर्थ है किसान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपनयन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नांकित में से कौन हिंदू संस्कारों का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसमें फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपने व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक परिष्कार करना, सेकंड है व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सहायता कर देना, थर्ड है पंचरेडों को पूरा करना एंड फोर्थ है शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आ, यानी व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक परिष्कार करना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक है। इसमें फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपने घुरिए, सेकंड है राजबली पांडे, थर्ड है पीएच प्रभु एंड फोर्थ है कौटिल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राजबली पांडे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 34 है कि निम्नांकित में से हिंदू संस्कारों का संबंध किस विशेषता से है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपने सामाजिक आदर्श नियमों के पालन से, सेकंड है अनुष्ठानों की पूर्ति पे, थर्ड है कर्मकांडों की पूर्ति पे, थर्ड है एंड फोर्थ आपन है व्यक्ति के सामाजिक धार्मिक परिष्कार से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्ति के सामाजिक धार्मिक परिष्कार से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में वर्णित संस्कारों की संख्या है। इसमें फ्रेंड्स माँ फर्स्ट आपन है यानी फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है 13, सेकंड है 14, थर्ड है 16 एंड फोर्थ है 18। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 13। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन हिंदू संस्कार की अभिव्यक्ति नहीं है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट आपने करणवीर संस्कार, सेकंड है उत्थापन संस्कार, थर्ड है जातकर्म संस्कार एंड फोर्थ है समावर्तन संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्थापन संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी दशा हिंदू संस्कार के वास्तविक अर्थ को अभिव्यक्त करती है। इसे फ्रेंड्स माँ फर्स्ट आपने समय समय पर किए जाने वाले अनुष्ठान, सेकंड है धार्मिक कर्मकांड, थर्ड है वैयक्तिक परिष्कार से संबंधित धार्मिक कृत्य एंड फोर्थ है धार्मिक उत्सव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वैयक्तिक परिष्कार से संबंधित धार्मिक कृत्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नांकित में से कौन हिंदू संस्कार का सही रूप है। इसमें फ्रेंड्स माँ फर्स्ट अपना गर्भाशय संस्कार, सेकंड है पुंसवन संस्कार, थर्ड है पुष्कर्मण संस्कार एंड फोर्थ है धर्मारंभ संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुंसवन संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह संस्कार जिसके द्वारा साधारणतः 5 वर्ष की आयु से बालक को
अक्षर ज्ञान देना आरंभ किया जाता है, उसका नाम है इसे फ्रेंड्स समाष्टा में विद्यारंभ संस्कार, सेकंड है वेदारंभ संस्कार, थर्ड है दीक्षा संस्कार, एंड फोर्थ है दिवभूजन संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विद्यारंभ संस्कार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वह संस्कार जिसे पूर्ण करने के बाद व्यक्ति द्विज हो जाता है, कहा जाता है इसे फ्रेंड्स समाष्टा में जातक संस्कार, सेकंड है नामकरण संस्कार, थर्ड है चूड़ाकरण संस्कार, एंड फोर्थ उपनयन संस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपनयन संस्कार। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 40 क्वेश्चन वीडियो में बताए हैं वो फ्रेंड्स आई होप मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फ्रेंड्स ज्यादा फायदा इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले लेसन में, यानी फ्रेंड्स आसन व्यवस्था वाली लेसन में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम नाम, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।